So today we will start with a new topic, that is variation of mass with velocity. Variation of mass with velocity. Classically we have already seen mass is always be constant. Mass cannot change, but in this unit we have already seen कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेंथ इज ऑल्सो रिलेटिव मास इज रिलेटिव टाइम इज रिलेटिव सो हियर वी विल सी हाउ मास विद वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी दो नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेरिएशन ऑफ मास. तो यू विल राइट द डेफिनेशन एंड विद द फॉर्मूला एंड अगर एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आता है तो यू शुड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑल्सो. मोस्टली ये यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स के पोर्शन आपको काफी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर काफी मिलेंगे. सो फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ मास. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. हाई वेलोसिटी मीन्स इज वॉट V is comparable to C. In my previous lectures, I have already discussed this case. Relativity is seen in this case when V is comparable to C. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर C की comparable velocity से move करती है then its mass varies. उसका mass क्या होता है? Change होता है. So this is known as variation of mass with velocity. So what you will write? कि classically mass we have already seen mass is constant. But according to the theory of relativity, mass varies with time. In what conditions? The condition is that the object is moving and this object moving with the velocity which is comparable to c. So what is the formula which we will derive later in this lecture? This is the formula which we will derive where m0 is the rest mass of any object and this is known as effective mass or mass during motion. तो इन नामों से इसको जाना जाना काफी न्यूमेरिकल्स इस पे आपको मिलेंगे लेटर वी विल सी आफ्टर दिस लेक्चर. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक. एज वी हैव कंसीडर्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स वी विल कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बहुत ध्यान से देखिए मैं यहां जो मेथड बता रहा हूं दिस मेथड इज नॉट गिवन योर लोकल टेक्स्ट बुक्स. सो दिस इज अ न्यू मेथड जो आपको बहुत इजीली इसको डेरिवेशन को एक्सप्लेन करेगा. हियर वी आर कंसिडरिंग टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. फर्स्ट इज एस वी हैव कंसिडर्ड प्रीवियसली एंड सेकेंड इज एस डैश. And this S dash is moving with the velocity V in positive X direction. Now, I am considering two identical objects. Which type of object? Two identical objects. Let's say A and B. ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं. Two identical objects A and B, and remember this A object is placed in S frame and the another object B is placed S dash frame. क्या है meaning? A object जो है मैंने S frame में रखी हुई है जो कि stationary है. B frame और दूसरी object जो B है उसको मैंने S dash frame में रखा हुआ है. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है
लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल वाई, आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन यू. कैपिटल वाई मैंने इनकी बीच की डिस्टेंस को माना है. नाउ आई एम सपोजिंग, व्हाट आई सपोज, दिस बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी टुवर्ड्स ए एंड दिस ए ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स बी. बेसिकली दे आर फेसिंग ईच अदर. अब देखिए फिगर से समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए जो है बी की तरफ जा रहा है, बी जो है ए की तरफ आ रहा है. अब बी ए कहां प्लेस है, एस डैश फ्रेम, एस फ्रेम में प्लेस है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी को कह दिया है बी ए. और आपका ये बी ऑब्जेक्ट जो है किस में प्लेस है, एस डैश फ्रेम में प्लेस है, तो इसकी वेलोसिटी को मैंने कह दिया है बी बी डैश. डैश इसलिए कहा है क्योंकि इस फ्रेम में ही हम इसकी वेलोसिटी को देख रहे हैं. नाउ अब आई एम अज्यूमिंग दैट दिस वी ए एंड बी बी डैश आर इक्वल. क्या अज्यूम करता हूं, बी ए और बी बी क्या है, एक दूसरे के बराबर है. अब आगे देखिए कंडीशन क्या बनती है. अब आप देखिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो जिनको बाय डिस्टेंस ट्रेवल करना है और दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी, देन व्हाट विल हैपन, सो दे विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम. नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट दीज टू विल मीट एट दिस हाफ पॉइंट, यहां जाकर ये कहीं मिलेंगे, दे विल कोलाइड विच ईच अदर. वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड, टक्कर होगी, कहां होगी, इस पॉइंट, इस पॉइंट पर. तो इस ये पॉइंट कहां होगा, दैट विल बी द हाफ ऑफ वाई, वाई बाई टू फ्रॉम ए एंड वाई बाई टू फ्रॉम वी. जब ये कोलाइड होंगे तो क्या करेंगे, कोलाइड होने के बाद आई एम कंसिडरिंग दैट दीज कोलिजन्स आर द इलास्टिक कोलिजन्स. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स. इलास्टिक कोलिजन्स इज बेसिकली द कोलिजन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. You have already heard about in your previous classes ke what is the meaning of conservation, the law of conservation of momentum, conservation of energy. So, jisme kya hai, kinetic energy jo hai aapki conserve rehti hai, un collisions ko hum elastic collisions kehte hain. To kya hoga jab ye ek dusre se takrayenge, kis point par, is point par. Let's say I am just taking this point, I am just highlighting this point. Let's say this point is P. And distance from A to P is y by 2 and B to P is also y by 2 because they are coming with the same velocity. Now, when they collide with each other, so they will rebound each other. क्या होगा, टकराने के बाद they will bounce back, एक दूसरे से वापस जाएंगे. वापस किससे जाएंगे, they will go with the same velocity because collisions are elastic collisions. तो v क्या है, फिर अपनी दूसरी जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा, और a क्या है, उसी डायरेक्शन में वापस आएगा. तो और कहां पहुंचेगा, अपने ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचेगा. तो ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचने के लिए y by 2 ये चल के आया और y by 2 ये चल के चला गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, डिस्टेंस ट्रेवल की y टोटल, कितनी डिस्टेंस की बाउंस बैक जाने में, पूरे राउंड ट्रिप में आपने y by 2 प्लस y by 2 यानी टोटल y डिस्टेंस इसने यहां से आने में और जाने में ट्रेवल की. सेम थिंग विल दी a, a भी यहां तक आएगा, देन इट विल ट्रेवल y by 2, देन अगेन बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, इट विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस. सो दिस विल आल्सो ट्रेवल द डिस्टेंस y एंड दे विल ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल. ओके, सो नाउ आई कैन राइट द इक्वेशन for the velocity v b dash and v a in s dash and s frame respectively with respect to this distance and time. Let's say this span is taken by delta t, यहां से आने और यहां से जाने में राउंड ट्रिप में दोनों को कितना टाइम लगेगा, डेल्टा टी, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से आए और टकराए और उसी डिस्टेंस में वापस चले गए.
तो दोनों को जब सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, इट मींस इज दैट इट विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम ऑफ इंटरवल. ठीक है, अब आप देखिए, नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी इन बी किसमें है, एस डैश फ्रेम में, तो मैं एस डैश फ्रेम की बात करूंगा. यहां पर देखिए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, बी बी आपका डिस्टेंस कितनी है, बी बी डैश ये है आपकी, और आपका डिस्टेंस कितनी है इसने ट्रेवल की है, वाई आने में और जाने में, और टाइम इसमें कितना लिया है इसने, डेल्टा टी. इसको मैंने लेट कह दिया, लेट से इक्वेशन नंबर वन. अब वेलोसिटी ये भी है, तो ये वेलोसिटी जब ये है तो ये वेलोसिटी किसके बराबर है, ये भी बाय 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 अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगी. बट इसको मैं लिखूंगा कैसे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन एस फ्रेम, किसमें रखा है, एस फ्रेम. तो एस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी दोनों बराबर है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू बी ए, सो दिस बी ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डेल्टा टी, वाई अपॉन डेल्टा टी. नाउ लेट्स से इक्वेशन नंबर टू. अब आप देखिए, अब मैं क्या एज्यूम करता हूं, ये दो इक्वेशंस मैंने एज्यूम कर ली. अब इसके बाद मैं आपको एक नई कंडीशन बताने जा रहा हूं, जो कंडीशन थोड़ा सा यहां पर टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट जो है अब यूज होगा. बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहां मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट का परसेप्शन कहां से लिया है, आई एम टेकिंग द परसेप्शन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट विद देयर सेम फ्रेम, जिस फ्रेम में वो ऑब्जेक्ट्स हैं उसी फ्रेम में मैंने उनको ऑब्जर्व किया है. ये v डैश क्या है, v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन s डैश फ्रेम, रेस्पेक्टिवली मोशन की अभी स्टडी की बात नहीं करी है. नाउ आई एम कंसिडरिंग द रिलेटिव मोशन, नाउ आई एम कंसिडरिंग और यू कैन से सम एनी ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दिस ऑब्जेक्ट v, लिसन दिस ऑब्जेक्ट v फ्रॉम दिस स्टेशनरी फ्रेम, इस स्टेशनरी फ्रेम से अगर उसको वो ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या महसूस होगा, क्योंकि ये b ऑब्जेक्ट किसमें है, मूवेबल फ्रेम में है, इट मींस इज दैट कि इसकी मोशन जो है अफेक्टेड होगी, सो दैट कैन नॉट बी रियल, जो रियलिटी में दिखाई देता है वो रियल में आपको दिखाई नहीं देगा. सो द टाइम इज टेकन, टाइम विच विल बी विल सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑफ एस विल अपीयर डेल्टा टी डैश, डिस्टेंस डेल्टा टी डैश में कितनी है, वाई, और वेलोसिटी क्या होगी, उसे वेलोसिटी भी अलग महसूस होगी. सो वी बी, वी बी इज द वेलोसिटी, वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी इन, या आप यहां इन लिख सकते हैं या लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम. बी वी डैश क्या थी, वेलोसिटी एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में थी. तो अब यहां बी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम आपका क्या हो रहा है, बदल रहा है, टाइम बदलने की वजह से वेलोसिटी भी आपकी बदल जाएगी. दैट इज द दिस पॉइंट टू बी नोटेड एंड यू शुड टेक योर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट. सो लेट्स से इक्वेशन नंबर थ्री, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर तीन. अब बहुत ध्यान से देखिए, अब कोई ज्यादा लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से हम देखेंगे क्लासिकली. क्लासिक, अब आप यहां से क्लासिकली से पहले एक चीज और बात करूंगा कि दिस टी डैश इज व्हाट, टी डैश इज द टाइम विच इज ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम. तो आप टाइम डायलेशन से क्या जानते हैं, यू नो अकॉर्डिंग टू मैं टाइम डायलेशन को शॉर्ट में लिखूंगा टी डी. टाइम डायलेशन क्या हो गया, टाइम डायलेशन से आप जानते हैं क्या जानते हैं, डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला. सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी डैश इन इक्वेशन नंबर थर्ड.
what we are doing now, we are using the concept of time dilation and putting the value of delta t dash in equation number 3. So now what will happen? See here, I am putting the value of delta t here. So this BV becomes, distance will be the same. Now I am putting, so delta t over under root 1 minus v square over c square. So ये divide में आएगा, तो ये flip हो जाएगा. तो ये delta t तो यहाँ as it is रहेगा, और जो upon में value होगी वो ऊपर पहुंचेगी. तो that becomes 1 minus v square over c square. As simple as that. So you can write this equation number 4. Now what I will do, I will use the classical concept of the conservation of momentum. Momentum before the collisions and the momentum after the collision. So what we can write, now I am rubbing few things from here. These things also. So now we can write momentum of, and the mass of the object is ma, and the velocity of, what will be the velocity of object, a is ba equals to momentum kya hoga, dono ka barabar hoga. So you can write mb, mass of the object b, एंड वेलोसिटी हम किस रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं. तो कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, ये वाली वेलोसिटी यूज करेंगे. ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, बी बी, तभी आपका रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग पाएगा. इफ यू आर यूजिंग बी डैश, तो यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिविटी. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वी बी हियर टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ बी ए from second and BB from third in this equation. Now you can put the value of BA and BB from second and third. Put kar dijiye, what you will get, fourth se hum value put karenge, fourth, that is the final equation. Now you can put the value MA, what is the value of BA, is y upon delta t. mb क्या है, mb आपका as it is mass of the object b, bb की value आपकी आ गई y upon delta t into under root 1 minus v square upon c square. देखिए y से यहां y cancel हो जाएगा और delta t से आपका delta t जो है cancel हो जाएगा. So now what you will get, an expression MA is equals to MV into under root 1 minus V square. So, अब MA तो क्या है, स्टेशनरी फ्रेम में है, तो अब मैं इसमें क्या करूं, मूवेबल फ्रेम में कौन सा है जहां रिलेटिविटी लग रही, MV. तो MV की वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, MA upon, you should write in the, in this way. यहां से ये क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा. सो दैट इज द एक्सप्रेशन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. अब इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, जो हम मॉडिफिकेशंस करने जा रहे हैं, बस उन मॉडिफिकेशंस को देख लीजिए, बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, अब हमें इसमें से किसी की जरूरत नहीं है. देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी, वो इक्वेशन निकल के आई एम बी इज इक्वल्स टू एम ए ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है. अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये ऑब्जेक्ट कैसी है, आइडेंटिकल है. तो अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेरिवेशन तो हमने कर लिया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट. सो व्हाट वी कैन डू दैट,
I am assuming that BB dash is much less than C. Sorry, much less than B. B क्या है? B मैंने आपको बताया था, V आपके जो इनर्शियल फ्रेम था S डैश उसकी वेलोसिटी थी, तो उससे ये काफी कम है, मतलब BB डैश की वैल्यू काफी कम है. तो अब आप क्या कह सकते हैं, फर्दर मैं क्या अज्यूम करता हूं देन आई कैन से इफ बीवी डैश इज इक्वल टू जीरो, अगर बीवी डैश जीरो है तब भी क्या है ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है बी, ये किस वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करेगा, ये वी वेलोसिटी से. वी किसकी वेलोसिटी है? इनर्शियल फ्रेम की, तो उसमें ये मास है, तो इसकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का इस पर इफेक्ट आएगा, तो इस मास को मैं कह दूंगा एम, या इफेक्टिव मास, या मास ड्यूरिंग द मोशन. अब देखिए सेकेंड कंडीशन, एम ए, आई एम एज्यूमिंग बी ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सिंपल इसका मास कितना हो गया, एम इक्वल टू एम नॉट कह दिया मैंने, एम नॉट मतलब रेस्ट मास, एम ए बिकम्स एम नॉट, सो दिस बिकम्स एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब ये क्यों हो गया, आप कह रहे होंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट है बट आपने सिंगल, देखिए ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली किसमें आ गई, रेस्ट में आ गई, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हुए भी मोशन में है, क्यों है, वाई, बिकॉज द इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग, सो द रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हियर एंड दिस विल, दिस एम वी इज डिनोटेड बाय एम, दैट विल बी द इफेक्टिव मास, या एम नॉट इज द रेस्ट मास, बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑल्सो, सो दैट विल बी अवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी. अब इसमें कुछ केसेस हैं, जो केस हमने टाइम डायलेशन में अप्लाई करे थे, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में अप्लाई करे थे, और आपने लोरेंज में भी अप्लाई करे थे. फर्स्ट केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस इज दैट इफ, देखिए कंडीशन देखिए, वी इज मच लेस देन सी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स सो आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल. वी इज मच लेस देन सी मींस इज दैट V square upon C square is also much less than 1. जब V C से काफी छोटा है इस केस में, तो इसको हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. Then इस केस में क्या होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा. So simply M equals to M naught. It means no change in mass. No change in mass. ये हमने पहले भी देखा था कि इस केस में हमें कोई चेंज महसूस नहीं होता. सेकंड केस जो कि जिसमें हमें रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट मिलता है, वी इज कंपेरेबल टू सी, इस केस में क्या होगा कि इस पूरे टर्म की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन वन, क्योंकि वन से माइनस हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो वन में से माइनस होगी और उसका आप अंडर रूट निकालेंगे, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन वन, सो दैट मींस दिस होल टर्म विल ऑलवेज बी लेस देन वन, सो इट मींस इज दैट एम इज ग्रेटर देन एम नॉट. मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं कि ये क्यों ऐसा है, जब ये लेस देन वन है तो मतलब एम नॉट इसका एक से कम ही एम नॉट के बराबर है, तो इसका मतलब एम की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एम नॉट, सो दैट इज द केस ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, चेंज इन मास विल बी सीन, इस केस में ही आपको चेंज इन मास मिलेगा. अब थर्ड केस क्या कह रहा है आपका, थर्ड केस देखिए, थर्ड केस का मतलब ये है कि जब B और C बिल्कुल बराबर हैं, when V is equals to C, in that case what will happen to this expression? So this will be 1, 1 minus 1 is 0. So then you can write M equals to M not upon 0. M not upon 0 is simple 1 upon 0 case. So that will be equals to infinity.
So which is not possible. Which is not possible. It means is that V और C बराबर नहीं होंगे एंड C इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन नॉट बी अटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. ये केस पॉसिबल आपका नहीं होगा, वो किसी के द्वारा अटेन नहीं की जा सकेगी. सो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको एनालाइज करिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी डायरेक्टली. थैंक यू.